हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दे रखा है, इन आ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज इन पैकिंग बॉक्सेस। कोई रिटेल मार्केट के अंदर फ्रूट्स वेंडर है जो कि फलों का काम करता है, वो आम बेचता है बॉक्सेस के अंदर। दीज बॉक्सेस कंटेंड वैराइंग नंबर ऑफ मैंगोज, इन बॉक्सेस के अंदर अलग अलग आम की क्वांटिटी रखी गई है। दिस फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मैंगोज, यानी कि ऐसे 15 बॉक्सेज है जिसके अंदर 50 से 52 मैंगोज रखे गए हैं। 110 ऐसे बॉक्सेज है जिसमें 53 से 55 बॉक्स मैंगोज रखे गए हैं। इस तरीके से हमें पूरा डाटा यहाँ पे गिवन है। बोलो, फाइंड मेन एंड मीडियन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन पैकिंग बॉक्स। इन बॉक्स में रखे गए मैंगोज का हमें क्या निकालना है, मेन एंड मीडियन दोनों निकालने हैं। तो इस डाटा को मैं इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो हमारे क्लास इंटरवल है, ये कंटिन्यू सीरीज नहीं है, हम इसे कंटिन्यू सीरीज बनाना पड़ेगा तभी हम इसका मीडियन निकाल पाएंगे। मेन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मीडियन निकालने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मैं आपको बता दूँ। ये होती है जैसे कि हमारी कॉन्टीन्यू सीरीज, जिसमें क्या होता है, ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। मीडियन तभी निकल पाएगी जब ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन क्लास इंटरवल निकालेंगे, एडजस्टेड क्लास इंटरवल। किस तरीके से निकालेंगे, 52 53 कितने गैप है, 1 का। 55 से 56 कितने गैप है, 1 का। इन दोनों में कितने गैप है, 1 का। तो 1 का करेंगे हाफ, इसमें कर देंगे माइनस और इसमें कर देंगे प्लस। ये मान के चलो हमारी जेब की दो पॉकेट हैं, पहली पॉकेट में 50 रुपीज़ है, दूसरे में 52 है। तो हमें क्या करना, पहली पॉकेट में 0.5 निकालना है और दूसरी पॉकेट में डाल देना है। तो इसमें मैं माइनस किया तो यह मेरा 49.5, इसमें ऐड कर दिया 52.5, इसमें माइनस किया तो 52.5, इसमें ऐड कर दिया 55.5, ठीक है। माइनस करेंगे 55.5, माइनस किया 58.5, माइनस किया 61.5, और आगे वाली अपर लिमिट में हमें ऐड कर देना 58.5, यहाँ पे 61.5, 64.5। हमारा क्लास इंटरवल ये होगा और फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब हमें निकालना है मीडियन, सॉरी मीन निकालना, पहले मेन गिवन है ना, तो मेन निकालने के लिए हम निकालेंगे इसका एक्स, यानी कि मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 का। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया 102 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना निकल के आएगा, 51। इन दोनों में दोनों को ऐड किया, ठीक है, कितना है 108, 2 का डिवाइड देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 54। या दूसरा तरीका भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि इन दोनों में कितने गैप है, 3 का, इन दोनों में 3 का, 3 का कर दो हाफ, कितना हुआ 1.5, इसमें ऐड किया मैंने कितना है 57, 1.5 इसमें ऐड किया कितना है 60, 1.5 इसमें ऐड किया मैंने कितना है 63, ये हमारा आ गया एक्स। अब इतना आने के बाद में अब हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करें, डायरेक्ट मेथड से यूज़ करें, एज्यूम्ड मेथड का यूज़ करें, या स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप डिसाइड करोगे। अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के लिए कैपेबल हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो दिमाग से, तब तो आप यूज़ करो डायरेक्ट मेथड। अगर आपको लगता है कि नहीं, कैलकुलेशन मुश्किल है, कि मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो आप यूज़ करो एज्यूम्ड मेथड। तो हम देखो शुरुआत करते हैं एज्यूम्ड मेथड से। अगर एज्यूम्ड मेथड से भी हमारी कैलकुलेशन मुश्किल रहती है, तब हम इसको ले जाएंगे स्टेप डिवीजन मेथड के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एज्यूम्ड मेथड में हम निकालेंगे डी, डी हमारा होगा एक्स माइनस में ए। कैसे निकालेंगे, अब इसमें से जो एक्स हमारा कोई भी बीच का एक नंबर ए मान लो, ठीक है। बीच का मानना क्यों, अगर मानने को 54 भी मान लो चाहे 60 मान लो, फर्क नहीं पड़ता, बट बीच का मानने से हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो सेंटर में नंबर हो उसी को माना जाए। तो मैंने इसे ए मान लिया, यहाँ पे लिखा मैंने 51 माइनस में 57, 4 माइनस में 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस में 57, 63 माइनस में 57। अब यहाँ इनके आंसर लिखेंगे, माइनस किया कितना है, माइनस का 6, माइनस किया कितना है मेरा, माइनस का 3, माइनस किया 0, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 6। अब ज़रा चेक करो, क्या एफ़ को डी से मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर आपको लगता है कि डी जो वैल्यू आई है ये अभी भी आपको थोड़ी कैलकुलेशन में मुश्किल लग रहा है, तो यू निकाल लो, ठीक है। यू क्या होगा, डी बाई
एच होगा, यानी कि एच वो कॉमन नंबर होगा जिसमें इसका डिवाइड जा रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो एफ को डी से, अगर एफ को डी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ तक होता है एज्यूम्ड मेथड, ठीक। लेकिन आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो वो कॉमन नंबर देखो जिसमें इन सभी का डिवाइड चला जाए, तो इन सभी में तीन का डिवाइड चला जाएगा, तो मैंने एच इज इक्वल टू क्या ले लिया, थ्री। अब अगला स्टेप एक और कर देते हो तो ये हो जाता है स्टेप डाइवेशन मैथड, ठीक है। तो मैंने इसमें थ्री का डिवाइड दिया, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू। अब मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना और ज़्यादा आसान हो गया, अब एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे यू के साथ। तो मैंने एक उंगली यहाँ रखी, दूसरी उंगली मैंने यहाँ रखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 52 जा 30, 110 वन जा 110, मल्टीप्लाई किया 0, 115 वन जा 115, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50। अब देखो मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया दिमाग से, मैंने कोई कैलकुलेशन साइड में करके नहीं देखी। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 140, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा मेरा माइनस पॉजिटिव का 561, 165। इन दोनों को ऐड करेंगे सिग्मा एफ यू, तो 165 में से 140 जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा पॉजिटिव का 25, ठीक। इतना करने के बाद हम इसकी फ्रिक्वेंसी है इसको भी सम कर लेंगे, ठीक है। इनको ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 400। अब मीन का जो फॉर्मूला होगा स्टेप डाइवर्जन मेथड में वो होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में एच, एच वो कॉमन नंबर होगा जिससे हमने इसको डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए वो नंबर जो हमने एज्यूम किया था 57, एफ यू कितना है 25, एच की वैल्यू वो कॉमन नंबर जिसका हमने डिवाइड दिया था, फ्रिक्वेंसी कितनी हमारी 400, ठीक। अब 25 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है हमारा, 25 में इसका भाग देंगे ये हमारा आ गया 16, तो यहाँ पे 57 3 अपॉन में 69 निकल गए, ठीक। अब 3 में डिवाइड किया 16 का तो ये मेरा निकल के आया 0.1875, ठीक। बट डेसिमल के बाद में अप्रॉक्सली दो डिजिट को ही माना जाता है, तो दो बाकी के जो दो डिजिट हैं अगर 5 से ज़्यादा हो या 50 से ज़्यादा हो तो इसे 1 मान के आगे वाले में ऐड कर देंगे, तो इसे मान लेंगे 0.19, दोनों को ऐड करेंगे 57.19 हो जाएगा हमारा। ये तो हो गया मेन। अब बात की जाए मीडियन की, मीडियन कैसे निकालना है, तो मीडियन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी की, यानी कि सी एफ। कैसे निकालेंगे, जो एफ है इसको ऐड करते हुए हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, सी एफ की। देखो 15 का मैंने 15 लिखा, 15 में 10 जोड़े कितना आया 125, 125 में मैंने 135 को ऐड किया कितना आया 260 में मैंने ऐड किया 115 को तो यार 375 में मैंने ऐड किया 25 को तो मेरा आ गया 400। याद रखना कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा और इसका लास्ट का नंबर दोनों सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आया तो समझ लेना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसके बाद हम करेंगे इसको, तो हमें क्या करना है n बाय 2। देखो मैं मीडियन का काम जितना भी सारा रेड कलर से कर रहा हूँ ताकि दोनों में फ़र्क नजर आए आपको, तो मेरा हुआ 200। अब इस 200 को फाइंड करना हमें सी एफ के अंदर, किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे कि 0 से लेके 15 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, 15 से लेके 125 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, 125 से लेके 260 तक के नंबर सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, तो हमारा आ रहा है 200। तो हमारे जो नंबर होंगे वो इस वाले सीरीज़ के अंदर इंक्लूड होंगे जो भी हमें डाटा चाहिए, क्योंकि 200 हमारा किसमें इंक्लूड होगा 260 के अंदर। तो L जो होगा यानी कि लोअर लिमिट वो कितनी होगी 55.5, H यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3। फिर चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी 135। सी एफ यानी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, हमें देखना है इसके तिरछे वाला नंबर, जैसे कि एफ है इसके तिरछे में जो सी एफ होगा वो हमारा होगा कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी यानी कि 125। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू में एफ अपॉन में एच। एल की वैल्यू कितनी है 55.5, एन बाई टू कितना निकाला हमने 200 माइनस में सी एफ, सी एफ की वैल्यू कितनी आई 125 इंटू में एच, यहाँ पे H होगा मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। H की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 3 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 135। सॉल्व करा इसको 55.5 माइनस करेंगे 200 में से 125 को, आएगा 75 इंटू 3 अपॉन 135, ठीक। अब 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 55.5 ऊपर 75 है नीचे 45 है, या तो इनको काट के छोटा कर लो या 75 में 45 का डिवाइड दे लो। अगर हम इसको काट के भी छोटा करेंगे तब भी अगर इसमें डिवाइड देना होगा, जैसे मैंने इसमें डिवाइड करा 5 से काट लिया पहले, 5 वन ज़ा 5, 2 बचा 5, 5 25, 5 में इसका भाग दिया 5 ने 45, ठीक है।
15 बटे में 9, तो यहाँ पे 55 अपॉन में 5, 3 5 जो 15, 3 3 जो 9, अब 5 में डिवाइड देंगे 3 का, तो मेरा आंसर आएगा 1.666 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद के नंबर को देखते हैं कितना आ रहा है। तीसरा डिजिट अगर 5 से ज़्यादा हो तो 1 मान के आगे वाले में ऐड कर दो, 1.67। अब 55.50 एंड 1.67 दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 57.17, ये हमारा होगा मीडियन। ठीक, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।